नमस्कार, मैं पूजा भारती और आप देख रहे हैं P3 न्यूज झारखंड। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और आज पहली सोमवारी है और मैं मौजूद हूँ रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर साल जो है भक्तों का, श्रद्धालुओं का दर्शन करने के लिए, भोले बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ पे तांता लगा हुआ रहता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कोरोना महामारी जो है वो इस आस्था पर भारी पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे पहाड़ी मंदिर का इलाका है और यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि कोई भी श्रद्धालु और कोई भी लोग जो है वो मंदिर के अंदर जो है वो प्रवेश ना कर सके। और जिला प्रशासन के द्वारा सख्त नियम बनाया गया है कि कोई भी लोग जो है वो अंदर प्रवेश ना कर सके, लेकिन राज्य सरकार ने श्रद्धालुओं को डिजिटल माध्यम से और LED के माध्यम से सुबह शाम की आरती का दर्शन करने का मौका दिया है। लोग जो है वो सुबह शाम की आरती जो है वो LED के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि LED यहाँ पे लगी हुई है, LED के माध्यम से बाबा भोलेनाथ का दर्शन जो है वो कर सकते हैं। अब हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे कि क्या कुछ खास वो इस कोरोना महामारी के दौरान जो है वो कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर ना आकर के घरों पे ही इस बार जो है लोग को पूजा अर्चना जो है वो करनी पड़ेगी। पहाड़ी मंदिर क्या पूरे देश का बहुत सारे मैंने मंदिर में, कुछ राज्य में छोड़ दिया जाए जहाँ पर मंदिर का पट खुला हुआ है, तो यहाँ पर इस बार तो कोरोना वायरस के चलते मंदिर को पूरा लोहे का बैरिकेडिंग से सील कर दिया गया। तो सरकार जो है बीमारी से बचने के लिए ऐसा कर रही है तो ठीक ही है, अब इसमें क्या कहा जा सकता है। मतलब ज़िंदगी तो सर्वोपरि है, ज़िंदगी से सर्वोपरि कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, लोगों का भी कहना है कि राज्य सरकार ने जो ये कदम उठाया है, मंदिर को जो प्रवेश द्वार में ही बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, वो एक सराहनीय कदम है, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसा राज्य सरकार ने किया है, जो कि एक पब्लिक के हित के लिए ही किया गया है। महिलाओं के लिए सावन का महीना जो है वो काफ़ी खास माना जाता है और जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती है और मनोकामना मांगती है, अच्छे वर की कामना करती है। और ऐसे में इस लॉकडाउन के दौरान जो है पहाड़ी मंदिर में जो है वो बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, कोई भी श्रद्धालु को वहां पे प्रवेश करना जो है वो निषेध कर दिया गया है। और ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। हम लोग पूजा करने आए हैं, हम लोग फास्टिंग रखे हुए हैं और यहाँ पहाड़ी मंदिर बंद है तो बगल में मंदिर है वहाँ पूजा कर रहे हैं। भगवान तो हर जगह है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग यहीं बाहर मंदिर के बाहर पूजा करके बस जा रहे हैं। मतलब आप लोग का ये कहना है कि आप लोग के आस्था में कोई कमी नहीं आई है, मंदिर बंद है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, मंदिर बंद है तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग बस दिल से पूजा करते हैं और बस बाहर मंदिर के बाहर ही हम लोग ठीक है। अगर मंदिर भी बंद है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग के आस्था में कोई भी कमी नहीं आई है। ये महिलाएं जो है सुबह से शाम तक फास्टिंग रखती है और अच्छे वर की कामना भी ये लोग करती है पूरे सावन भर। और सोमवारी, चार जो सोमवारी होती है, 500 वारी होती है, उसमें लगातार जो है ये लोग फास्टिंग रखती है। अब ये लॉकडाउन के दौरान जो ये सावन का महीना पड़ चुका है तो जिसके वजह से कोरोना महामारी के वजह से कई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों का आस्था जो है वो नहीं डगमगा रहा है। लोग जो है मंदिर आ रहे हैं और मंदिर के द्वार के सामने प्रणाम करते हुए निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी मंदिर के सामने जो है बैरिकेडिंग कर दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा ताकि कोई भी जो श्रद्धालु है, लोग हैं, वो मंदिर के अंदर जो है प्रवेश ना कर सके। और हमारे साथ खुद प्रशासन मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सुबह से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको समझाने बुझाने में आप लोगों को क्या दिक्कत का सामना करना। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम लोग शांतिपूर्वक और सही तरीके से समझाते हैं कि आप लोग बाहर से ही अर्चना कर लें, हाथ जोड़कर, या फिर घर में जाकर के जो विधिवत पूजा करना है आप घर में कर सकते हैं। और यहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर COVID-19 से बचाव का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ डिस्टेंस को भी फॉलो करना है। अभी रिसेंट में 6 पुलिसकर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो आप लोग को राज्य सरकार से क्या कुछ सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई जा रही है? हम लोग को पहले भी मास्क, सैनिटाइजर वगैरह भी सब कुछ मिल चुका है और ग्लव्स वगैरह भी, लेकिन हम लोग आपस में काफ़ी डिस्टेंस बना के भी रखते हैं, प्लस अब जो भी प्रिकॉशन है वो सारी चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। SI राकेश कुमार सिंह, लालपुर थाना।
हमारे साथ ASI राकेश जी थे जो कि लालपुर थाना के थे। उनका यही साफ तौर पे कहना है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम लोग समझा बुझा करके भेजने का काम कर रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि आप लोग अपने घर से ही अपने पूजा अर्चना करें और ताकि ये जो COVID-19 की महामारी है उससे बच सके। और इनका साथ ही ये भी कहना है कि राज्य सरकार जो है उन्हें सुविधाएँ जो है वो मुहैया करवा रही है, और खुद ये लोग भी साथ ही प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए P3 न्यूज़ झारखंड के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।